हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसका नाम है एक्स पोसेट, को किससे प्रक्षेपित किया है। इसरो ने भी हाल ही में श्री हरिकोटा सतीश धवन से 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 रॉकेट से एक्स पोसेट इसको प्रक्षेपित किया है। इसका फुल फॉर्म है एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। 6 डिग्री झुकाव पर इसको प्रक्षेपित किया गया और यह पृथ्वी से 650 किलोमीटर ऊपर कक्षा में, मतलब इसको प्रक्षेपित किया गया है पृथ्वी से 650 किलोमीटर ऊपर कक्षा में इसको प्रक्षेपित किया गया है। किस रॉकेट से? PSLV C-58 रॉकेट से। या क्यों किया गया है? ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार इसके अध्ययन करने के लिए। और ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है, पहला देश बना है USA। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है, पहला देश है USA। इसमें 2 पेलोड लगाए गए हैं। इन 2 पेलोड का नाम क्या है? एक का नाम है पॉलिक्स और दूसरे का नाम है यक्स स्पेक्ट। 2 पेलोड लगाए गए हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या, इससे पहले इसरो ने और भी कुछ लॉन्च किया था, तो बैरसाला के लिए एस्ट्रोसेट लॉन्च किया गया था PSLV C-30 से। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, PSLV C-57 रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। जो आदित्य L1 है यह L1 पॉइंट लगराज पॉइंट पर जाएगा, क्योंकि इसकी खोज लगराज ने की थी, इसलिए इसको कहा जाता है लगराज पॉइंट। इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल होता है फोर्स, वो इक्वल होता है। और यहाँ जो L1 पॉइंट है 6 जनवरी को पहुँच जाएगा आदित्य L1। नेक्स्ट है आपका GSLV F-12, इसे क्या लॉन्च किया गया था? NVS-01 नेविगेशन सिस्टम की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका TVD-1, मनुष्य को अंतरिक्ष पर भेजने के लिए जो परीक्षण किया गया था वह है TVD-1। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3, इसको लॉन्च किया गया LVM-3 M-4 रॉकेट से, इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है और 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर यह सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है, क्योंकि चंद्रयान जो 3rd है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है। जहाँ पर लैंड किया है उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट, और जिस दिन लैंड किया है मतलब 23 अगस्त को, इस दिन मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @JustDoItYar। पहले मैं फ्री में PDF देती थी, लेकिन अब मैं कुछ उसका चार्ज लगा रही हूँ। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो कुछ चार्ज पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप लोग को PDF मिल जाएगा। इसकी जानकारी आप लोग को इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? डेजर्ट साइक्लोन 2024 यह अभ्यास है भारत और UAE का, संयुक्त अरब अमीरात का अभ्यास है। इसका आयोजन किया जाएगा थार रेगिस्तान राजस्थान में। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राजस्थान में। पहली बार यह हुआ था 2008 में डेजर्ट साइक्लोन, और 2024 में यह होगा राजस्थान में यह अभ्यास। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन अभ्यास, साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका चक्रवात अभ्यास, यह भारतीय सेना ने किया है। नेक्स्ट है आपका जायद तलवार अभ्यास, भारत और UAE के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका UAE, यहाँ पर COP28 हुआ था और UAE की राजधानी अबूधाबी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, एकता अभ्यास एक्वेरियन अभ्यास, यह होता है भारत और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट है आपका नॉर्मडिक अभ्यास, यह होता है भारत और मंगोलिया के बीच में। मालाबार अभ्यास, क्वाड का जो अभ्यास होता है वह होता है मालाबार अभ्यास, इसमें 4 देश शामिल है, तो यह 4 देश का अभ्यास है, USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका हरिमऊ शक्ति अभ्यास, यह भारत और मलेशिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रज प्रहार अभ्यास, तर्कस अभ्यास, सेल्वेक्स अभ्यास, भारत और USA के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका काजिंद अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। डास्टलिक अभ्यास, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? यह ऑस्ट्रेलिया देश के
क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है डेविड वार्नर। वनडे और टेस्ट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया देश से है, लेकिन अभी यह T20 खेलेंगे। नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और यहाँ पर मरे नदी डार्लिंग नदी है। नेक्स्ट है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति भी यहीं पर है, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल वुलाक। नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है इनको कहा जाता है डाउंस। यहाँ पर गिब्सन मरुस्थल है, सैम्पन सेन मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है। नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया में स्थान है कालगुली और कुलगाड़ी। इस स्थान पर गोल्ड बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब यह गोल्ड के लिए फेमस है यह स्थान। नेक्स्ट है आपका, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है डायना एडुलजी। इसमें 3 लोग शामिल हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुलजी और डी सिल्वा। ये दोनों लोग भारत के हैं और ये श्रीलंका के हैं, और इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डायना एडुलजी। नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन होता है उसको विली विलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? विली विलीज। नेक्स्ट है आपका, बायोपिक 800 या किसकी आत्मकथा है? मुथैया मुरलीधरन की। नेक्स्ट है आपका, विशन वेदी स्पिनर थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका, सलीम दुरानी, इनको कहा जाता है कि पब्लिक के डिमांड पर छक्का मारते थे, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका, जर्सी नंबर 7 इसको रिटायर कर दिया गया है, किसके द्वारा? BCCI के द्वारा। किसकी जर्सी थी यह जर्सी नंबर 7? महेंद्र सिंह धोनी की। यह दूसरी जर्सी है जिसको रिटायर किया गया है, पहली जर्सी थी सचिन तेंदुलकर की, इसका नंबर क्या था? 10। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा है? पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट पेश की है 2023 में बाघों की मृत्यु की। 177 मृत्यु हुई हैं 2023 में। इसमें पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। 2022 की जो बाघों की जनगणना हुई थी उसमें कुल बाघ कितने थे? 3167। इसमें टॉप पर कौन था? मध्य प्रदेश था। टाइगर रिजर्व ऑफिशियल जो साइट है भारत सरकार की, अब यहाँ पर 54 टाइगर रिजर्व शो करते हैं। 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, 53 नंबर का है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, 54 नंबर का है वर्तमान में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, तो यह नवीनतम है। नेक्स्ट है आपका, बाघ की जो उम्र होती है वो लगभग 10 से 12 वर्ष होती है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कार्पेट टाइगर रिजर्व है, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर कंजर्वेशन कब हुआ था? बाघ संरक्षण के लिए घोषणा पत्र आया था 29 जुलाई 2010 को, इसलिए 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। किस नाम से आया था? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010। नेक्स्ट है आपका, लल्लन टॉप पलामू, यह कहाँ पर है? झारखंड में है। बांदीपुर नागरहोल अंसी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार में है। पक्के अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है स्वीडन ने, स्वीडन देश ने इसका विकास किया है। आगे देखते हैं, हाइड्रोपोनिक कृषि, हाइड्रो का मतलब पानी, पोनिक मतलब विकास, मतलब वह कृषि जिसकी पैदावार पानी में होगी, मृदा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह कृषि कहलाती हाइड्रोपोनिक कृषि। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सोल ई सॉयल बनाया गया है और इसका डेवलप किया है लिकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन, स्वीडन की यूनिवर्सिटी है, उसने इलेक्ट्रॉनिक सॉयल का विकास किया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक सॉयल है यह किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी।
जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो कोशिका भित्ति सेल वाल होती है वो भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये भी किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। नेक्स्ट है आपका स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में नोबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आप लोग बताइए कि कौन सा नोबल पुरस्कार है जो स्टॉकहोम में नहीं प्रदान किया जाता है, ओस्लो में प्रदान किया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नेक्स्ट है आपका डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और यहीं पर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी जिसमें यश प्रणव ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में खोजे गए जीवाणु का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, कहाँ पर, शांति निकेतन में। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, आर्द्रता नापने के लिए। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोबिया का रोग जो है यह किससे संबंध है, रैबीज। कौन सा वायरस है, रेहेबडो वायरस है, और इसकी टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट है आपका मिट्टी को नमन वीरों का वंदन, जो मेरा माटी मेरा देश अभियान था इसी में चलाया गया था संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। अभी हाल ही में मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है इसको 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त कर दिया गया है। अमृत कलश महोत्सव इन सब ये सब एक ही से रिलेटेड है, यह स्टार्ट किया गया था इसी में। अमृत कलश महोत्सव भी पूरे देश से मिट्टी लाई गई थी, और अमृत अवार्ड किसको दिया गया है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करता है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अभी हाल ही में इसने कहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारत में जो निवेशक है इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए हैं, सबसे ज़्यादा आए हैं महाराष्ट्र में। कितने आए हैं, 1.49 करोड़ आए हैं। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, और तीसरा स्थान है गुजरात का। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नए निवेशक नए इन्वेस्टर हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए हैं, तो वो आए हैं उत्तर प्रदेश में। कुल निवेशक कितने आए हैं, कुल निवेशक आए हैं 8.54 करोड़। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में निवेशक की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, तो शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका GDP में पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, इसमें टॉप 30 कंपनियां मर्ज होती हैं, मतलब इससे जुड़ी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका इंडेक्स है निफ्टी, इसमें टॉप 50 कंपनियां हैं। नेक्स्ट है आपका जापान का इंडेक्स है निक्की, साउथ कोरिया का इंडेक्स है कोस्वी, और USA का इंडेक्स है नैसडैक। नेक्स्ट है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन वर्तमान में बने हैं प्रमोद। नेक्स्ट है आपका बुल, इसको कहा जाता है तेज डिया, मतलब जो शेयर के दाम होते हैं ये जो लोग होते हैं वो जान मतलब ये सोचते हैं कि शेयर के जो दाम है वो भविष्य में बढ़ेंगे ही, इनको कहा जाता है बुल, तेज डिया कहा जाता है। और जो बियर होते हैं इनको कहा जाता है मंद डिया, मतलब ये सोचते हैं कि जो शेयर के दाम है ये भविष्य में गिरेंगे। नेक्स्ट है आपका मार्केट कैप का अर्थ क्या है, मार्केट कैप का अर्थ है कुल शेयर गुणे एक शेयर की कीमत। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC+ प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है। प्लास्टिक अपशिष्ट इसका विघटन नहीं होता है, इसको रिसाइकिल करने के लिए मतलब कार्बन लाभकारी बनाने के लिए दो बहुलक बनाए गए हैं। इन दो बहुलक का नाम है सर्कुल पोल और एक का नाम है सर्कुल लेरिन। दो पॉलीमर बनाए गए हैं, और इसका विकास किसने किया है, विकास किया है रिलायंस ने। रिलायंस जो कंपनी है इसका मतलब जामनगर रिफाइनरी ने इसका विकास किया है। रिलायंस जो समूह है इसके अंदर जो जामनगर रिफाइनरी आती है उसने इस पॉलीमर का विकास किया है, इसीलिए रिलायंस समूह को ISCC+ प्रमाणन मिला है, और ऐसा प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है रिलायंस। ISCC प्रमाणन किसको मिला है, रिलायंस समूह को मिला, और ऐसा
ये प्रमाण प्राप्त करने वाली यह पहली कंपनी है भारत की। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप, भारत GPT का निर्माण कौन करेगा? रिलायंस और IIT बॉम्बे मिलकर करेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉलीथीन का बहुलक होता है एथीन, पॉलीथीन पॉली और एथीन से मिलकर बना है, मेथ एथ, ये हो गया C2H4। तो पॉलीथीन का रासायनिक सूत्र हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस, यह मनाया जाता है 30 मार्च को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित वुमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? वुमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन इसका आयोजन किया गया स्कॉटलैंड एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, एडिनबर्ग में ही इसका आयोजन किया गया। अंडर 19 की विजेता बनी है अनाहत सिंह, किसको हराकर बनी है? अल्पाइन को हराकर बनी है। तो विजेता कौन बना है? भारत की अनाहत सिंह बनी है। और अगर आपसे पूछे कि अंडर 13 महिला में कौन विजेता बना है? आद्या बुधिया बनी है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, चौथा पैरा एशियन गेम्स, इसमें दो नए खेल शामिल किए गए थे, एक था पैरा ताइक्वांडो और दूसरा था पैरा डोंगी, इसको पैरा डोंगी कहिए या कहिए कैनोइंग। नेक्स्ट है आपका पैरा डोंगी, इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है प्राची यादव। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में भारत की रैंक कितनी थी? 5th रैंक थी। भारत ने 111 पदक जीते थे और इसका शुभकर्ता फेफी पच्छी। नेक्स्ट है आपका 2028 के ओलंपिक, यह कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स USA में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें कई खेल शामिल किए गए, उस खेल में से हैं क्रिकेट, स्क्वैश। नेक्स्ट है आपका पैरा तीरंदाजी, शीतल देवी हैं, मतलब जो शीतल देवी है इनका संबंध है पैरा तीरंदाजी से, यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इनका संबंध है बैडमिंटन से, अभी हाल ही में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, इसकी राशि है 25 लाख रुपये, खेल का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में बरहवा दिव्य कला मेला, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दिव्य कला मेला, दिव्यांग लोगों के उत्पाद को बेचने के लिए यह मेला लगाया जाता है, उनको आर्थिक सबल बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए कि यह मेला लगता है, दिव्य कला मेला बरहवे क्रम का कहाँ पर आयोजित किया गया? सूरत गुजरात में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, बोनालू उत्सव बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका खादी माटी कला महोत्सव मनाया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट है आपका नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका अंडोरी फूल देवी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका भूमचू महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका चिकल कालो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से, अभी हाल ही में इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है पिंकी, पिंकी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। पिंकी ने स्माइल पिंकी एक फिल्म आई थी, इसमें एक्टिंग किया था, इसकी जो डॉक्यूमेंट्री है इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, अब बनाने वाले कौन है? मैगन मॉयल है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, नीरज चोपड़ा लॉरियस स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैप यूनिक्लो कंपनी जापान की कंपनी है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। विराट कोहली भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इगासोटेक इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट है आपका दीपिका पादुकोण विस्लेरी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में देखिए महत्वपूर्ण समितियाँ एवं उनका विषय क्षेत्र। भगवती समिति इसका संबंध है बेरोजगारी से। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंध है। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंध है। सुखमय चक्रवर्ती समिति इसका संबंध है मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से। नेक्स्ट है आपका सरकारीय समिति इसका संबंध है केंद्रीय राज्य संबंध से, जिस पर स्टार लगा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सरकारिया समिति केंद्रीय राज्य संबंध से संबंध है। नेक्स्ट है आपका महानलोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंध है इसका। राज चिलैया समिति कर सुधार से। बलवंत राय समिति विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव। नेक्स्ट है आपका नरसिम्हन समिति
वित्तीय सुधार, बैंकिंग सुधार से संबंध है। नेक्स्ट है आपका जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला से संबंध है। रंगराजन समिति 1991, इसका संबंध है भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर विजय केलकर समिति, इसका संबंध है जीएसटी से। नेक्स्ट है आपका मालेगांव समिति, इसका संबंध है प्राथमिक पूंजी बाजार से। नेक्स्ट है आपका एच एस तारापोर समिति, इसका संबंध है पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से। नेक्स्ट है आपका पार्थ सारथी सोम समिति, इसका संबंध है कर नीति से। नेक्स्ट है आपका एन के सिंह समिति, इसका संबंध है 15वां वित्त आयोग से। नेक्स्ट है आपका सच्चर समिति, सच्चर समिति का संबंध है मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन से। नेक्स्ट है आपका तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति इसका संबंध है गरीबी रेखा के नीचे की लाइन की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट है आपका मंडल कमीशन बाबा केलकर, इनका संबंध है पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट है आपका कोठारी कमीशन, शैक्षणिक सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका आबिद हुसैन समिति, छोटे पैमानों के उद्योगों के सुझाव हेतु यह समिति आई थी। नेक्स्ट है आपका नरसिम्हन समिति, बैंकिंग सुधार से, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मल्होत्रा समिति, बीमा सुधार से संबंध है। विवेक देवराय समिति, रेल बजट का आम बजट में विलय, यह है विवेक देवराय समिति। कस्तूरी रंगन समिति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट है आपका शिव रमन समिति, नबार्ड। नेक्स्ट है आपका ए के माथुर आयोग, सातवां पे कमीशन, इसका संबंध है ए के माथुर आयोग से। फ्रेंड्स, तो ये थे महत्वपूर्ण समितियाँ। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।